नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ पोटैटो बॉम्ब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक काफी टेस्टी नाश्ता है, तो जरूर आप एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो पनीर बॉम्ब्स बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं और आलू को हमने उबाल लिया है, इसका छिलका उतार दिया है। हमने यहाँ 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे, हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए आलू को हमने मैश कर लिया है और इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, साथ में इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो हम स्मूथ डो तैयार करेंगे, जैसा हम लोग आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो देखिए हमने स्मूथ डो बना लिया है और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। तो इसे हम ढक देते हैं, हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और तब तक इसका हम स्टफिंग बना लेंगे। तो हमने देखिए गैस पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है तो इसमें हम तेल डालेंगे 1 चम्मच। तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, प्याज को डालेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। तो हमने अदरक को भी बारीक काट लिया और 1 हरी मिर्च, इसे भी डाल देंगे और साथ में 1 शिमला मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो शिमला मिर्च को भी डालेंगे। तो शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए इसे हम भूनते रहेंगे, तब तक इसमें हम कॉर्न डाल देंगे। यहाँ कॉर्न लिया है आधा कप, इसे डाल देंगे। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए इसे हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लिए हैं। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, चाट मसाला डाल देंगे 1/2 टी स्पून और साथ में यहाँ हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो हम भून लेंगे। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे, जिससे कॉर्न है सॉफ्ट हो जाएगा और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, पनीर को डालेंगे। पनीर के साथ इसे मिला लेंगे। देखिए फिलिंग हमारा तैयार हो गया है और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। तो हम बॉल में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए हम इसे बॉल बना लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे आलू हमारा चिपकेगा नहीं। और इसमें हम छोटा सा होल कर देंगे। और जो हमारी फिलिंग है उसे हम भर देंगे। और फिर इसे हम पैक कर देंगे। फिर इसे हम बंद करके फिर इसे हम गोल बॉल बना लेंगे। इसी तरह हम सारे बॉम्ब्स बना लेते हैं। तो देखिए बॉम्ब्स को हमने तैयार कर लिया है और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, ये एक एक करके हम डाल देंगे। इसे हम फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम पलटेंगे। एक साइड से फ्राई हो चुका है तो इसे हम पलट लेंगे। तो हम दोनों साइड से फ्राई कर चुके हैं, तो चलिए अब इसे निकाल लेंगे। निकाल लिया है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं
और चलिए इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो पनीर बॉम्ब्स हमारा बनकर तैयार है, तो चलिए एक तोड़कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं काफी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, पोटैटो पनीर बॉम्ब्स हमारा बनकर तैयार है और एक काफी टेस्टी नाश्ता है, तो जरूर आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।